हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेफाइल। 2011 में रावण मूवी रिलीज हुई थी, जिसमें एक काफ़ी पॉपुलर क्वेट था कि अच्छे लोग मर जाते हैं, उनकी अच्छाई हमेशा जिंदा रहती है। जब ये मूवी रिलीज होती है तो लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इवन क्रिटिक्स इस मूवी को उस साल की सबसे वर्स्ट मूवी बता देते हैं। लेकिन वक्त बीतता जाता है और वही ऑडियंस धीरे धीरे करके रियलाइज करती है रावण एक मास्टरपीस मूवी थी। गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उसे वक्त से पहले रिलीज कर दिया गया। दैट्स व्हाई वी कॉल रावण इज अहेड ऑफ इट्स टाइम। एंड ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि क्यों रावण एक मास्टरपीस मूवी था, रावण मूवी को बनाने के पीछे की क्या स्टोरी थी और शाहरुख खान ने इतने कॉम्प्लेक्स मूवी को क्यों सिलेक्ट किया। क्योंकि ये फिल्म फिर हम बहुत बड़ी और अच्छी बनाएंगे, तो और एक बात बताओ तुम क्यों बनाना चाहते हो ये फिल्म? तो उसने कहा मैं अपने बेटे के लिए बनाना चाहता हूं। तो मैं कहा मैं भी अपने बेटे के लिए कैसी पिक्चर बनाना चाहता हूं। रावण मूवी का आइडिया किसी हॉलीवुड मूवी से कभी नहीं आया था। दरअसल 2005 में अनुभव सिन्हा, जो कि रावण मूवी के डायरेक्टर हैं, वो एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिसमें एक छोटा सा बच्चा रिमोट के हेल्प से एक इंसान को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसी को देखकर अनुभव के पास रावण का आइडिया आता है, जिसके बाद अनुभव रावण के स्क्रिप्ट को लेकर शाहरुख खान के पास जाते हैं। शाहरुख खान जब इस मूवी के स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, वो तुरंत इस मूवी में काम करने के लिए मान जाते हैं और वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और शाहरुख खान इस मूवी में काम करने के लिए माने भी क्यों ना, क्योंकि शाहरुख खान का भी तो सपना था कि वो एक सुपर हीरो मूवी करे। दरअसल शाहरुख खान चाहते थे कि वो एक ऐसा मूवी करे जिस वजह से शाहरुख खान को एक स्टेटस मिले। और जब शाहरुख खान ने रावण मूवी के स्क्रिप्ट को पढ़ा तो शाहरुख खान ने रियलाइज किया कि ये वही मूवी है जिससे मुझे एक यूनिक स्टेटस मिलेगा। सेम एज ऋतिक रोशन, जिसे हम लोग क्रिस के नाम से भी जानते हैं, और यही सेम चीज रॉबर्ट डॉनी जूनियर के साथ भी होता है, जिसे हम लोग आयरन मैन के नाम से जानते हैं। इवन जब स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था, उस वक्त ये अप्रोच किया गया था कि रावण को पूरी तरह इंग्लिश में लिखा जाएगा और इस मूवी को इंग्लिश में डायरेक्ट किया जाएगा, ताकि रावण वेस्टर्न कंट्री को अट्रैक्ट कर सके और ग्लोबली अपना नाम बना सके। बट शाहरुख खान ने इसे करने से मना कर दिया। शाहरुख खान का कहना था कि रावण को मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिया के लिए बना रहा हूँ, और इस मूवी को हिंदी में ही मैं शूट करूंगा। शाहरुख खान इस मूवी के सक्सेस के लिए 100% श्योर थे, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उसी बीच में दो सुपर हीरो मूवी बॉलीवुड में रिलीज हुई थी, क्रिस एंड रोबोट। ये दोनों सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी, और किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि बॉलीवुड में एक सुपर हीरो मूवी रिलीज होगी जो कि ब्लॉकबस्टर साबित होगी। तो शाहरुख खान ने सोचा कि मैं भी रावण को बॉलीवुड के हिस्ट्री की सबसे बेस्ट VFX वाली मूवी बनाऊंगा। एंड इवेंचुअली ऐसा ही होता है, उस वक्त की बॉलीवुड की सबसे बेस्ट मूवी साबित होती है। इफ वंस यू सेल योर सोल टू द डेविल विल फॉलो यू। देखो, अक्सर लोग कहते रहते हैं कि रावण की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी स्टोरी थी। उनका कहना रहता है कि रावण की स्टोरी काफी बेकार थी, बट इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक कि रावण की स्टोरी इतनी भी बेकार थी। मूवी में प्रतीक नाम का एक छोटा सा लड़का गेम के विलन को जब हरा देता है, तो वो विलन उस बच्चे से बदला लेने के लिए रियल वर्ल्ड में आ जाता है। और अगर आप इसको सोचने लगोगे तो आप रियलाइज करोगे कि 2011 के हिसाब से इसकी स्टोरी काफी बेहतरीन थी, जबकि उस वक्त में इतना इंटरनेट भी नहीं था कि लोग इसे हॉलीवुड के साथ कंपेयर करें। बट अभी 2023 और 24 को देखो तो आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड मैक्सिमम मूवी को रीमेक करता है। लाइक गजनी की ही बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि गजनी बॉलीवुड का सबसे यूनिक मूवी है, बट बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये भी हॉलीवुड की क्रिस्टोफर नोलन की मूवी मिमेंटो का एक रीमेक ही है। रही बात रावण की, तो 2011 के हिसाब से इस मूवी का कॉन्सेप्ट ही इंडियन ऑडियंस के लिए काफी हाई था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये मूवी है किसके बारे में। कई सारे लोग बोल रहे थे कि बच्चों के लिए एक कार्टून वाली मूवी है, तो कई सारे लोग तो इसे रावण रियल रावण बना चुके थे। इवन कई सारे मीडिया चैनल पर इस मूवी के बारे में बताया जा रहा था कि शाहरुख खान का इस मूवी के अंदर 10 सिर होने वाला है। वो इवन शाहरुख खान को रावण रियल रावण समझने वाले थे। और इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि ऑडियंस समझ नहीं पाए कि ये मूवी है किसके बारे में। और जब आप एक्सपेक्ट कुछ और करके जाते हो और डिलीवर आपको कुछ और मिलता है, तो आप सब यही बात कहोगे, कुछ भी हमारे लायक नहीं, बच्चों के लिए बनाया है पिक्चर, दिखाएंगे टीवी पे, तो सच बोल रहा हूँ, सड़ेला पिक्चर है, आइंदा कभी नहीं देखना घर पे, ना DVD लाके भी मत देखना, वो 50 रुपए भी मत डालना। इवन इस मूवी का दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इस मूवी का इनकंसिस्टेंस। मूवी के स्टार्टिंग से ही हमें इसके कॉन्सेप्ट के बारे में काफी कुछ बताया जाता है। इवन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज हमें जानने को मिल जाता है। और इंटरवल से पहले एक गराज फाइट भी देखने को मिलता है, और उस गराज फाइट में हम लोग देखते हैं कि जीवन ने रावण को इजीली हरा दिया, जिसके बाद जीवन और फैमिली के बीच में एक बॉन्ड बनाने की कोशिश की जाती है, और यहीं पर ये मूवी मात खा जाती है, क्योंकि इस बीच में हमें लगने लगता है कि ये मूवी अपने ट्रैक पे से ही हट गई है, काफी बेकार कॉमेडी मारा जा रहा है। अनयूजुअल, बहुत मेहनत कर रही है। कंडम कंडम, नो नो नो, योर टर्म इज वेरी नॉटी, इट्स नॉट कंडम कंडम, इट्स कुंजम कुंजम। पता है
कुछ से कुछ डायलॉग डिलीवर हो रहा है और मूवी अपने कॉन्सेप्ट पर अभी है ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे रावण फैमिली के हर एक कॉर्नर को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, लाइक बूढ़े हो गए या फिर माँ बाप हो गए, दादी दादी या बच्चे, हर किसी को ये अपने तरफ इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। जबकि रावण का सिर्फ एक ही काम होना चाहिए था, क्योंकि रावण एक सुपर हीरो मूवी है तो वो सिर्फ एक ही जॉनरा के लोगों को अटैक करता, मतलब कि बच्चे, टीनेज और कुछ बड़े लोग जो कि सुपर हीरो के काफी बड़े फैन हैं, और ये मूवी जरूर सक्सेसफुल होती। इवन वीडियो गेम से रावण आया था लूसिफर को मारने के लिए, बट जब वो लूसिफर को पकड़ लेता है तो वो उसके साथ फिर से वीडियो गेम खेलने लगता है और इवेंचुअली लास्ट में जाकर रावण भी मर जाता है। और ऐसा क्यों भाई, वो वीडियो गेम का एक विलन है, वो प्रोग्रामिंग है, उसका सिर्फ एक ही मोटो था कि वो लूसिफर को मारे, ना कि एक इमोशनल ड्रामा करे। और किसी भी सुपर हीरो मूवी को अगर आप पूरी तरह सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो उसके विलन को हीरो से ज्यादा स्ट्रांग बना के रखो, बट इन दिस केस रावण तो कमजोर निकला, जहां पर वो लास्ट में इजिली मर जाता है। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि थैनोस सचमुच काफी स्ट्रांग है, और इसी वजह से इन्फिनिटी वॉर एक आइकॉनिक मूवी है। किसी मूवी का विलन जब स्ट्रांग रहता है और हीरो बार बार हारता है तो वो मूवी काफी आइकॉनिक बन जाती है, इवन लोग उस मूवी को याद रखने की भी कोशिश करते हैं। बट रावण के केस में ऐसा नहीं था, लोग थिएटर से बाहर आते थे और बोलते थे कि इस मूवी को बच्चे के लिए बनाया गया है। अब इतने बुराई करने के बाद इस मूवी में फिर भी कई सारे अच्छे चीज हैं, लाइक रावण मूवी का सिनेमेटोग्राफी। इस मूवी का वो गराज फाइट सीन याद है जहां पर रावण और जीवन एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा होता है, एक्चुअली में वो सीन काफी फैसिनेटिंग है। इस मूवी का वो रावण वाला बाइक चेसिंग सीन वो भी काफी मजेदार है, और कई सारे लोग इस मूवी को कई दूसरे मूवी से कंपेयर करते हैं। पूरे मूवी में हमें कई सारे स्लोमो सीन भी देखने को मिला है जो कि काफी मजेदार लगता है। और रावण का सबसे बेस्ट पार्ट है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, लाइक रफ्तारे सॉन्ग जो कि आज भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और जब कभी भी इस सॉन्ग को मैं सुनता हूँ तो गूज बम्स आ जाता है। और चमक छल्लो को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, वो तो एक आइकॉनिक सॉन्ग है। और हाँ, इस मूवी का वीएफएक्स जो कि अगर आप लोग अभी देखोगे तो उतना भी खास अच्छा नहीं था, लेकिन जब हम लोग बॉलीवुड के आदिपुरुष मूवी को देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं यार, रावण का वीएफएक्स काफी अच्छा था। लिटरली 2023 में कई सारे ऐसे मूवी आए हैं जिसके ग्रीन स्किन तक को हटाना भूल गया था। अब ये सवाल आता है कि रावण को हम लोग मास्टरपीस कहें या फिर एक कल्ट क्लासिक। आई थिंक रावण एक कल्ट क्लासिक मूवी था, ना कि एक मास्टरपीस। मास्टरपीस काफी इम्पोर्टेंट और काफी बड़ा वर्ड होता है। किसी भी मूवी को अगर आप लोग मास्टरपीस बोल रहे हो तो वो हर चीज में बेहतर होना चाहिए, बट रावण के केस में रावण हर चीज में बेहतर नहीं है। लाइक इस मूवी की कॉमेडी जो कि सबसे वाहियात कॉमेडी प्रेजेंस है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस मूवी में कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिलता है। सो आपका क्या ओपिनियन है रावण मूवी के ऊपर कॉमेंट करके बताओ, और रावण का सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं आगे ऐसा ही वीडियो बनाता रहूंगा।